जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है राजा, किसान और नगर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमारे चल रहे थे प्रमुख इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है इतिहास के अंदर। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो 10 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें। सभी का क्लास अंदर स्वागत है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सभी का स्वागत है। देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। हमारा ट्रॉपिक का नाम क्या है, राजा, किसान और नगर। देखिएगा दोस्तों, हमने सबसे पहले जो पहला टॉपिक था अपने इतिहास के अंदर ईटे मनके तथा उस्तिया, उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है, इसका कालक्रम हमने देखा था। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना क्या था दोस्तों, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक जो है वो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम चला था। ये हमने ईटे मनके तथा अस्थिया उस टॉपिक के अंदर अच्छे से जान लिया था, ठीक है। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताओ 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब दोस्तों इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी वैदिक सभ्यता के बारे में भी बात की गई है, तो आपको पूछा जा सकता है वैदिक सभ्यता का कालक्रम। देखिएगा वैदिक सभ्यता की बात करता हूं मैं, वैदिक सभ्यता जानकारी के लिए आपको सभी को याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है वो कब से कब तक चली, तो याद रखना 1500 से याद रखना 700 ईसा पूर्व, 1500 से 700 ईसा पूर्व जो है वो वैदिक सभ्यता चली थी दोस्तों। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी दोस्तों, दो भागों में डिवाइड थी। मैं बात करता हूं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता देखो, एक तो है ऋग वैदिक काल याद रखना दोस्तों, ऋग वैदिक काल, और दोस्तों दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल याद रखेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की बात करें तो दोस्तों यह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो कौन सा काल है, ऋग वैदिक काल है, यह आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से मैं बात करता हूं उत्तर वैदिक काल की, तो यह है दोस्तों याद रखना 1000 से 700 ईसा पूर्व, यह जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। जानकारी के लिए थोड़ा सा याद रखना, याद करना चाहो तो याद कर लेना, वैसे हड़प्पा सभ्यता तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। आपको पता है वैदिक सभ्यता के बाद में दोस्तों एक वंश आता है, उस वंश का नाम आप सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सा वंश आता है, हर्यक वंश। कौन सा वंश आता है दोस्तों, इसी के जस्ट बाद में जो वंश आता है वो आता है हर्यक वंश। कौन सा वंश आता है, हर्यक वंश। वैसे अपनी बुक में ये नहीं दे रखा है, कुछ प्रमुख शासक के बारे में दे रखा है अपनी बुक में, चैप्टर पेज में, यानी चैप्टर नंबर जो आपका दूसरा है इसके पहले पेज में दे रखा है हर्यक वंश के प्रमुख शासक, जिसमें बिंबिसार की बात की गई है, ठीक है। कि भाई मगध शक्तिशाली कैसे था, जिसमें प्रमुख शक्तिशाली होने के पीछे प्रमुख रीजन हो सकता है, जैसे हर्यक वंश प्रमुख महत्वाकांक्षी शासक, जिसमें हम अपने बिंबिसार की बात करने वाले हैं। तो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के बाद में जो अगला वंश आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, हर्यक वंश के बाद में एक आता है नाग वंश, ठीक है। नाग वंश आता है, जिसे शिशु नाग वंश भी कहते हैं, नाग वंश। नाग वंश के बाद में एक छोटा सा और वंश आता है जिसका नाम है दोस्तों नाग वंश के बाद में नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश के बाद में जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। तो इस तरीके से देखो ये प्रमुख जो है वंशावली एक तरीके से क्रम से चल रही है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं इस बुक में जो है, इस चैप्टर में जो है दोस्तों राजा, किसान और नगर, इसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अच्छे से दे रखा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमने यहां पर किसकी बात की, हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की पहले चैप्टर के अंदर ईटे मनके तथा अस्थिया में। तो हमने क्या देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यह हमने किस में देखा था, पहले चैप्टर में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। अगर आपको पूछा जाए कि बताइएगा, आपको पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, याद रखेंगे वैदिक जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो नगरीय सभ्यता है, अगर आपको पूछा जाए कि नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो गार्डन चाइल्ड नामक वैज्ञानिक जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने जो है इस नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपको पूछा जाए, ये प्रमुख पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ आप याद रख लेना वैसे समझने के लिए, बाकी नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम याद रख लेना कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। चलो दोस्तों हम प्रमुख शासकों के यानी प्रमुख जो क्वेश्चन है इनको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे क्लास दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों पढ़ने वालों को तो अच्छी लगती है क्लास, ठीक है। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो फटाफट, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो पढ़ने का मन करता है दोस्तों, आप सभी फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था प्यारे मित्रों? जेम्स प्रिंसेप। इस जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों को जो है वो सर्वप्रथम पढ़ा। कब पढ़ा? 1830 में। 1830 के दशक में, 1830 के दशक का मतलब हो गया 1830 और 1840 के बीच का समय, यानी 1838 ईस्वी में दोस्तों जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को जो है वो पढ़ा था सर्वप्रथम। हमें एग्जाम में प्रश्न यहां से ये पूछा जा सकता है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए या किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में लिखे गए प्यारे मित्रों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। आपको याद रखना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मास की तथा गुजरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1838 में। हो गया याद? चलो दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख, अभिलेख परिभाषा आप याद रखेंगे। देखो मैं जो बोलूंगा वो परिभाषा आप सभी याद कर लेना। देखो अभिलेख, पत्थर धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। देखो पत्थर धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं, याद रखना, ठीक है, ये प्रमुख आपको याद रखना है। और अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र। यह भी आपको याद रखना है कि अभिलेखों का अध्ययन करना अभिलेख शास्त्र कहलाता है। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। तो हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों, पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद, महाजनपद किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा दोस्तों, पहले क्या थे महाजनपद? कितने? 16 महाजनपद हैं। पहले थे पहले जनपद महाजनपद नहीं थे दोस्तों, पहले छोटे छोटे कबीले थे। क्या थे प्यारे मित्रों? छोटे छोटे कबीले। कबीले से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने। तो महाजनपद कहते किसे हैं? तो आप लिखेंगे कि छठे शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिसे महाजनपद कहा गया। परिभाषा याद रखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिसे महाजनपद कहा गया। ये परिभाषा याद रखना है। अब देखो यहां पर महाजनपद की परिभाषा में याद रखनी है, कितने महाजनपद है, कुल कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है प्यारे मित्रों? 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी है वो एक बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय। अगुत्र निकाय में दोस्तों हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप कहेंगे भैया 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? बिल्कुल दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसकी राजधानियों से रिलेटेड, या फिर बड़े नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों का संक्षिप्त में वर्णन करो। जैसे महाजनपद के पूरे नाम पूछ लिए जाते कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपद है। कौन कौन से? काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कोसल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अशक, अवंती, गांधार, कंबोज। 16 महाजनपद है। देखो दोस्तों, मैं एक बार बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, आप इन सभी को अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप सभी अच्छे से याद करेंगे दोस्तों कि जो 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं। मैं लिखवा देता हूँ, आप सभी याद करना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। क्रम से मैं लिखवा रहा हूँ, देखो आपके सामने सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एक दो क्रम लिख देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। कितने महाजनपद लिखे? 16 महाजनपद लिख दिए। सबसे पहले काशी, याद रखना दोस्तों, काशी, काशी, कुरु, अंग, मगध, मगध के बाद में वज्जी, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, मत्स्य भी हम कह सकते हैं, सुरसेन, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्चक, 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 अश्चक या अस्मक, अस्मक भी लिखा मिलता है, अस्मक, अस्मक, अवंती, अवंती, गांधार, ठीक है, गांधार है, गांधार, और ये कंबोज। तो कितने महाजनपद हो गए दोस्तों?
16 माजन पद हो गए। कितने माजन पद हो गए? 16 माजन पद हो गए, देखो कंबोज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने 16 माजन पद लिखे। अब एग्जाम में हमें राजधानियां पूछी जाती हैं, काशी माजन पद की राजधानी क्या है? तो याद रखना काशी माजन पद की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, मगध पूछा जाएगा एग्जाम में। मगध की देखो प्रारंभिक राजधानी थी जिसका नाम था राजगृह। क्या था दोस्तों? राजगृह, और राजगृह या फिर हम कह सकते हैं राजगिरी, राजगिरी, राजगिरी। अब वर्तमान में मगध की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में मगध की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। क्या है प्यारे मित्रों? पाटलिपुत्र वर्तमान में मगध की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा वज्जी की बात करें तो वज्जी की विदेह और मिथिला, विदेह और मिथिला वज्जी की है। मल की बात करें तो मल की जो राजधानी है वो कुशावती कुशीनारा है। चेदी की शक्तिमती सोतिवेती है। वत्स की कौशाम्बी है। कौशल की आप याद रखना, कौशल की राजधानी है अयोध्या, ठीक है। कौशल की राजधानी अयोध्या है। बुद्ध काल में दो भाग हुए, उत्तरी भाग की जो राजधानी है वो साकेत है, ठीक है। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की जो राजधानी है वो शावशती है, ये याद रख लेना अच्छे से। इसके अलावा पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी कांपिले है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी महिष्मती है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद है उनकी मैं राजधानी लिखवा रहा हूँ। सुरसेन की बात करें तो सुरसेन की मथुरा है, याद रखना। अस्तक या अश्मक, अस्तक अस्तक है पोथन या पाठली, पोथन या पाठली, ठीक है। पाठली हम कह सकते हैं, अस्तक या पोथन या पाठली। अवंती की देखो उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती, ठीक है। गांधार की बात करें तो गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। क्या है प्यारे मित्रों? तक्षशिला है गांधार की राजधानी। कंबोज की है राजपुर हाटक। क्या है प्यारे मित्रों? राजपुर या हाटक हम कह सकते हैं कंबोज माजनपद की राजधानी है। तो आपके सामने 16 माजनपद मैंने लिखे, राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। कासे गुरुओं में मगध जिमल चति वस कोसल पाताल मत्स्य सुसना संधि गांधर हम बुद्ध। अरे क्या बोल दियो दोस्तों, ये याद करो फटाक से। देखो कासे कुरु अंग मगध वजिमल चति वत्स कोसल पाताल मत्स्य सुसना नत्स्य कवंदी गांधर कंबोज। 16 माजनपद है, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो मगध की राजधानी का नाम बताओ। मगध की प्रारंभिक राजधानी हमने देखा था राजगृह। क्या थी प्यारे मित्रों? राजगृह थी। वर्तमान में मगध की पाटलिपुत्र है, ठीक है। चलो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? अब देखो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक सबको पता है, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है प्यारे मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु के नाम है चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। देखो दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। आपको पता होगा नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो हमें करना है चंद्रगुप्त मौर्य करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को टाबरियो बोले दोस्तों, पुत्र ने, जैसे मारवाड़ी में टाबरियो कहे दोस्तों। तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है दोस्तों? बिंदुसार को टाबरियो, यानी बिंदुसार को पुत्र कौन है? अशोक। तीन मेन शासक होते हैं दोस्तों मौर्य वंश में। सबसे पहले चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार के बाद में अशोक। तीन मान शासक जिसमें हम प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो मौर्य वंश के वास्तविक यानी शक्तिशाली शासक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो है अशोक, याद रखना, जिसके समय 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है, ये याद रखना है। चलो संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त। अगला देखो छठा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम क्या है? आए यूनानी राजदूत था जिसका नाम था दोस्तों डाइमेक्स नहीं, बिंदुसार के समय मेगस्थनीज था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? मेगस्थनीज। क्या था प्यारे मित्रों? मेगस्थनीज। ये मेगस्थनीज आया था दोस्तों, मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम है, तो हमें करना है मेगस्थनीज। उसी प्रकार बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम है? डाइमेक्स। और बिंदुसार के समय आए मिस्री राजदूत का क्या नाम है? मिस्र राजदूत, डियानिसियस, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं पर्यायिक प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखो। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है पर्यायिक प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखो। तो मैं जो कह रहा हूं उसी अनुसार आपको लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना दोस्तों। प्रेयक प्रशस्ति की सबसे पहले लिखना है प्रेयक प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रेयक प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रेयक प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? प्रेयक प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई। प्रेयक प्रशस्ति को और किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं।
पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी किए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण शासक थे दोस्तों, कुषाण शासकों ने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे। और कुषाण शासकों में एक शासक था विम कड़फिसस ने ही भारत में जो है वो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अब एग्जाम में प्रश्न हमें ऐसे पूछा जाएगा कि कनिष्क जो है, जैसे कुषाण वंश का सबसे मान शासक कौन है? मान शासक, तो कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे मान शासक कौन है? कनिष्क, ठीक है, ये याद रखना है। और सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? कुषाण वंश। कौन सा शासक था? भीम कड़फिसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दे रखा है आपके सामने, देखिएगा, छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गई? यानी छठी शताब्दी में सोने के सिक्के जो है मिलना कम क्यों हो गई? तो आप लिख सकते हैं छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना इसलिए कम हो गए होंगे, क्या पता आर्थिक संकट आ गया होगा, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई होगी, ठीक है, इससे इसका असर जो है वो उसके राज्य की संबंध सम्बद्धता पर पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो। चलो इसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है कि गेहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गेहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गेहपति। तो याद रखना प्यारे मित्रों, गेहपति शब्द का जो प्रयोग है छोटे किसानों और जमींदारों के लिए होता था, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गेहपति शब्द का प्रयोग होता था। गेहपति किस भाषा का शब्द है? ये जो गेहपति है ये पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। अब हमें एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि गद तिंदु जातक कथा, जो आप बुक में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, गद तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई? तो पाली भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, गद तिंदु जातक कथा, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत। देखिएगा दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के, मोस्ट क्वेश्चन है, बड़े नंबर के अंदर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले लिखो दोस्तों साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी का पहला स्रोत आप लिखेंगे साहित्यिक स्रोत। और दूसरा स्रोत आप लिखेंगे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। कौन स्रोत? पुरातात्विक स्रोत, ये दूसरा स्रोत हो गया। इन दो स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में आप लिखेंगे जैसे पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ठीक है, पुराण हो गया प्रमुख, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। इसके अलावा प्रमुख आप लिख सकते हैं जैसे कोटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र हो गई। इसके अलावा प्रमुख जैसे मेगस्थनीज की पुस्तक हो गई, इंडिका हो गई, और विशाखा दत्त की पुस्तक हो गई मुद्रा राक्षस। इनसे जो है हमें किसकी जानकारी मिलती है? साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में इनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आप साहित्यिक स्रोत में लिख सकते हैं। जबकि पुरातात्विक स्रोत में आपको पूछा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे पुराने औजार जो मिले हैं, मृद भांड, यानी बर्तन, ठीक है, वो उनसे हो गए। इसके अलावा प्रमुख जैसे यानी स्तूप हो गए, ठीक है, स्तूप हो गए, मंदिर हो गए, ठीक है, स्तूप मंदिर है। इसके अलावा अभिलेख हो गए, अभिलेख प्रमुख ये जो हो गए, इनसे इन प्रातत्विक स्रोतों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो ये मैंने आपके सामने लिखवा दिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से फटाफट दोस्तों हमने प्रमुख 10 क्वेश्चन देखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मस्ट क्वेश्चन है। मैंने इनको फुल एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट करें, जो मैंने एक एक क्वेश्चन बोले हैं वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, बहुत से दोस्तों देखिएगा, अगर आप हमारे द्वारा लिखी गई नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है दोस्तों हिस्ट्री की 71 रुपये में आपको मिल जाएगी। यानी कहने का, वैसे तो मैंने नोट्स YouTube पर फ्री करवा रखे हैं, आप चाहो तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो ये मेरे WhatsApp नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आपको WhatsApp पर मैसेज करना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, ओके।